दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है MTS के लिए, जो कि हेड क्वार्टर अंडमान निकोबार कमांड के अंदर वैकेंसी है। इसमें ट्रेड्समैन मेट्स की वैकेंसी है, मेल फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिक सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही संपूर्ण भारत से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या सैलरी रहेगी, कितनी एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा और कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों आपसे अनुरोध है वीडियो पूरा देखें, साथ ही दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि अंडमान निकोबार कमांड के माध्यम से किया गया है, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो वेबसाइट दी गई है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या इससे भी कर सकते हैं, या इंडियन नेवी से भी कर सकते हैं। यानी 1 2 3 4 टोटल 4 वेबसाइट दी गई हैं, जहाँ से ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं जनरल सेंट्रल सर्विस जो ट्रेड्समैन की रखी गई है, ये ग्रुप सी की नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट है, पे लेवल 1 रहेगा। सैलरी यहाँ पर आपको 18,000 रुपये से 56,900 रुपये तक दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके अंतर्गत, ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है ट्रेड्समैन की जो पोस्ट है, जिसमें ट्रेड्समैन मेट फॉर NAD डॉलीगंज। टोटल जो वैकेंसी इसमें 362 वैकेंसी हैं, जिसमें से हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ट्रेड्समैन के लिए 33 वैकेंसी दी गई हैं और ट्रेड्समैन मेट के लिए 2 वैकेंसी हैं। अब इसके अंतर्गत जो और डिटेल जो दी गई कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन जो है इस प्रकार से है, जनरल के 139, OBC 91, SC के 50, ST के लिए 25, EWS के लिए 33 है, साथ ही टोटल हो गई 338, जिसका 10% 33 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी से लिया जाएगा। इसके अलावा PWD कैंडिडेट के लिए भी अलग से वैकेंसी रिजर्व है, जिसमें आप देख सकते हैं ये BH HH OH अदर्स, ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए भी एक्सक्यूज इसमें होता है। अब ट्रेड्समैन मेट जो है इसमें टोटल 24 वैकेंसी हैं, 24 का 10% 2 वैकेंसी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को दी गई हैं। वैकेंसी कैटेगरी की वाइज ही रहेंगी, जिस कैटेगरी में वैकेंसी उसी हिसाब से रहेगा। इसके अंतर्गत जो ये वैकेंसी है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसके अंदर जो डिटेल दी गई है वो इस प्रकार से है, जो एब्रिविएशन उसमें दी गई है, जैसे कि UR यानी अनरिजर्व्ड, SC यानी ST, ST यानी शेड्यूल ट्राइब, इस प्रकार से जो कि BN, SE, C, S, ST ये जो है ऑब्जर्वेशन दे रखी हैं, ये मेडिकली दे रखी हैं। अब इसमें जो रिजर्वेशन है वो, जैसे कि हमारे भूतपूर्व सैनिक अगर कोई OBC से है तो उनको OBC से कोटा दिया जाएगा, अगर वो जनरल से हैं तो जनरल से दिया जाएगा, इस प्रकार कोटा दे जाता है। उम्र सीमा इसमें 18 साल से 25 साल रखी गई है, साथ ही एज रिस्ट्रिक्शन जो देखी गई है मैं जो कि पैरा 6 के आधार पर दिया जाएगा, जो कि नीचे है, उसे भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। दोस्तों इसके अलावा जो आपकी ड्यूटी रहेगी, नेचर ऑफ ड्यूटी जो प्रोफाइल जो रहेगा, वर्किंग इन प्रोडक्शन ऑफ एक मेंटेनेंस ऑफ एक सोप सेप सेमरीन, जनरल क्लीननेस अपकीप ऑफ द सेक्शन यूनिट, कैरिंग ऑफ द फाइल एंड अदर पेपर विद इन द ऑफिस एरिया, फोटोकॉपी और सेंडिंग रिसीविंग फैक्स लेटर ETC, अदर जो काम होंगे नॉन कलेक्टिव वर्क होंगे। उसके अलावा आपका जो रूटीन वर्क होगा, जैसे कि लाइक डायरी,
डिस्पैच इटीसी जो काम आपको करना होगा, साथ ही बाच एंड बाट की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। यानी एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी अनेक प्रकार के काम करने वाला व्यक्ति। दोस्तों इसमें जो छूट दी गई है एज में इस प्रकार से दी गई है, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 13 साल, एससी एसटी के लिए 15 साल रखी गई है। और साथ ही हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्लियर है, जितनी उन्होंने सेना में जॉब की है उसमें से जो एज बचती है उसी घटाने के बाद जो बचती है उसमें 3 साल की और छूट दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, जैसे कि आप 40 साल की उम्र में आप पेंशन आते हैं और आपकी 20 साल उम्र है, 20 साल उम्र थी जब आप भर्ती हुए थे, तो आपकी जॉब जो है लगभग 20 साल की है और 20 साल आपने जॉब की है, तो 40 में से 20 हटाने के बाद आपकी उम्र 20 साल बचती है। तो दोस्तों इसी प्रकार से इसकी जो है इसमें एज देखी जाती है। आप जब भी घर आते हैं, पेंशन आते हैं, तो उस दिन से काउंटिंग की जाती है। दोस्तों इसके बाद इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा उसमें आपको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देने के बाद स्क्रीनिंग होगी और वो सब होने के बाद आपको सिलेक्शन दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। दोस्तों जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है उसमें 4 टॉपिक होंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। टोटल 100 मार्क के क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये अच्छी वैकेंसी है, इसके लिए आप 25 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके पश्चात आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। दोस्तों अब यहाँ पर जो फॉर्म भेजोगे आप उसके लिए आप जो एंट्री करते हो उसमें आपने जो भी मोबाइल नंबर डालते हैं या मेल डालते हैं उन्हें आप परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि परिवर्तित करने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको फ़ोटो जो रहेगा आपका 10 KB से 20 KB के मध्य रहेगा और JPG फ़ोटो रहेगा, इस प्रकार से इसको देना है। दोस्तों अब बात करते हैं इस वैकेंसी की और जगह के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको केवल 10th पास हैं फिर भी आप इसमें जॉब पा सकते हैं अपने खुद के दम पर। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है एक्समैन के लिए भी है और फीमेल मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। इसमें आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका पूरा नोटिफिकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोटो आइडेंटिटी कार्ड नोट कैसा क्या होना चाहिए सब कुछ डिटेल इसमें दे रखा है। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी में लगभग जानकारी, ऐसी ही वैकेंसियाँ आती रहती हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो क्लियर यहाँ पर दिया गया है, ये मेल आईडी दी गई है, इस मेल आईडी पर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही वैकेंसी अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।